अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यूज़ एंड व्लॉग्स। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबको ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। आज है 12 रबीउल अव्वल और माशाल्लाह 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 पहले रबीउल अव्वल से हमारे इलाके में बहुत 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 रौनक लगी हुई है। सब ने माशाल्लाह अपने घर सजाए हुए हैं, लाइट्स लगाई हुई हैं, हमने भी लगाई थी, लेकिन अब अपना अपने घर का नहीं बना सकी क्योंकि मैं ये वाली वीडियो अपनी गैलरी से बना रही थी। तो जितना मैं दिखा सकती हूँ दिखा रही हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ज़्यादा हवा नहीं चल रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। शाम में मग़रिब के बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, दोपहर में काफ़ी धूप थी और गर्मी थी लेकिन मग़रिब के बाद माशाल्लाह मौसम अच्छा हो गया था। और यहाँ पर मैं अली को कह रही हूँ कि आप नमाज़ पढ़ें फिर हम बाहर जाएँगे, ऐसे हम बाहर नहीं जाएंगे। अली कह रहे थे ऐसे पढ़ूँ ऐसे पढ़ूँ, और फिर उन्होंने जो है वो एक सजदा करके कहा कि चलें बस बस अब बाहर चलना है, मैंने नमाज़ पढ़ ली है। तो बच्चों की अभी से आदत करेंगे तो आगे जाके भी आदत रहेगी इंशाअल्लाह ताला नमाज़ की, तो इसलिए थोड़ी बहुत अली को प्रैक्टिस करवाते रहते हैं नमाज़ की। और माशाल्लाह 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 हम फिर बाहर निकले, गलियाँ बहुत सजी हुई थी। ये इलाका है सिद्दीकाबाद का, ठीक है, सिद्दीकाबाद का इलाका दिखा रही हूँ। इसके अलावा बाटवा टाउन भी बहुत अच्छा सजा हुआ था। और जो है कौन सा इलाका है पीछे की तरफ, कुतियाना मोहल्ला भी बहुत प्यारा सजा हुआ था। कुतियाना मोहल्ला से कल गुज़र हुआ था लेकिन वहाँ की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा बेतहाशा रश था, इतना कि आप मतलब ना वीडियो बनाना इतना इजी नहीं रहता। और यहाँ पे हम रात के टाइम पे निकले थे तो रश कदरे कम था दोपहर के मुकाबले में, लेकिन फिर भी काफ़ी रश था। और हमें जो है वो रोड से निकलना मुनासिब नहीं लगा क्योंकि वो जो हुसैनाबाद का मेन फूड स्ट्रीट का रोड है वो बहुत ज़्यादा बेतहाशा रश से भरा हुआ था। और ये मैं आपको जो है वो होलसेलर्स की चीज़ वालों की शॉप्स खुली हुई दिखा रही हूँ, उन लोगों के माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़ी खुल गई थी क्योंकि जो है वो इनका सीज़न होता है और सब जो है वो चीज़ वग़ैरह लेके तो होलसेल में माशाल्लाह बॉक्स के बॉक्स लेते हैं, नज़र नियाज की नियत से जो है वो बांटते हैं जुलूस में। तो मेरे गले में ज़रा खिचखिच है तो आप लोग मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, बाकी जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। यहाँ पे हम मेन रोड पे पहुँच गए थे कि थोड़ी सी वीडियो यहाँ से भी बना ली जाए। ये जो है वो कराची हलीम वाला पोर्शन है, गलियों गलियों से आते आते हम यहाँ पे कराची हलीम वाले पोर्शन में आ गए थे। यहाँ पे पान शॉप थी और काफ़ी पीछे से मैं व्लॉग बना रही थी क्योंकि आगे की तरफ बहुत रश था। और यहाँ पे हम फिर गली के अंदर आ गए, गली के अंदर भागते हुए बच्चे जिन्होंने चीज़ें जमा की हुई थी और वो बड़ा खुशी खुशी जा रहे थे। और गलियों से गुजरते गुजरते हम यहाँ पे किसी तरह कराची आइसक्रीम तक पहुँच गए क्योंकि अब ज़रा बाहर निकले थे तो थोड़ी बहुत इन्जॉयमेंट भी बच्चे को करवानी ही थी क्योंकि अली रश से घबराते हैं तो हम रश वाली जगहों पे इतना जाना नहीं प्रेफर करते। और कराची आइसक्रीम पे भी रश था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। ये मैं आपको फैमिली रूम का विज़िट करवा रही हूँ, थोड़ी सी वीडियो बना के दिखा रही हूँ। फैमिली रूम काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ था, सेल्फ सर्विस है यहाँ पर कराची आइसक्रीम पे। कराची आइसक्रीम हुसैनाबाद की बहुत ही फेमस आइसक्रीम है, यानी कि अगर आप कोई भी आइसक्रीम पार्लर देखो, और ये काफ़ी पुराना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अली ने आइसक्रीम से अपने कपड़े पूरे ख़राब कर दिए थे और मैं ये इनको कह रही हूँ कि कितने ज़्यादा आपने जो है वो कपड़े ख़राब कर दिए हैं, अब ये दाग कैसे निकलेंगे। तो जो है वो बस क्या बोले, अब बच्चे तो हैं, कपड़े तो ख़राब करेंगे ही बच्चे। तो खैर हम यहाँ पे बाहर आ गए और ये मेरा बहुत ही फेवरेट गोलगप्पे वाला था। यहाँ के जो दिल्ली के गोलगप्पे ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अब पता नहीं टेस्ट कैसा है लेकिन पहले बहुत मज़े का होता था। और यहाँ पे ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी तो इसका भी थोड़ा सा क्लिप मैंने ले लिया। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।